वैगनार सीएनजी ऑप्शनल यानी के दो एयरबैग वाली वैगनार सीएनजी। आज के इस वीडियो में इस कार का एक डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे ये कार आपको कौन कौन से फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस रेंज, माइलेज, सेफ्टी फीचर्स और कलर ऑप्शंस ऑफर करती है। यानी कि इस कार की सभी डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको सीएनजी की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। नॉर्मल टाइप हैलोजन रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर इसके हेडलैम्प्स दिए गए हैं। डुअल असेंबली है। निचले वाले पोर्शन पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ब्लैक कलर की आपको इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो दी गई है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको क्रोम का एक इंसर्ट डिजाइन देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से रहता है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। दोस्तों बेस मॉडल आता है तो इसलिए इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लाइट नहीं मिलती, आपको आफ्टर मार्केट या फिर एक्सेसरीज से परचेज करनी होगी। नीचे देखें तो लोअर रेडिएटर ग्रिल वो आपको ब्लैक कलर में मिल जाती है। यह है वैगनार सीएनजी का साइड प्रोफाइल, जहां पे आपको 13 इंच के प्रोफाइल के साथ यानी कि 155/80 R13 के सेक्शन के साथ स्टील रिम मिलते हैं। कोई कवर वगैरह नहीं दिया गया। साइड टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर पर मिल जाता है और आउटसाइड मिरर आपको ब्लैक कलर के ही दिए गए हैं, लेकिन इसको आपको मैन्युअली फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट करना होगा। किसी प्रकार की आपको नोब वगैरह जो है वो नहीं दी जाती। कार का ए, बी और सी तीनों ही पिलर आपको बॉडी कलर के मिलते हैं और लास्ट पिलर के ऊपर आपको ये ब्लैक कलर का इंसर्ट दिया गया है। डोर हैंडल भी आपको ब्लैक कलर का मिलता है। की इंसर्ट का आपको पॉइंट दिया जाता है। 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको वैगनार जो है वो ऑफर कर देती है। बात करते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, तो आपको बहुत ही स्ट्रेट डिजाइन के अंदर इसका रियर प्रोफाइल मिलता है। यहाँ पर देखें तो हाई माउंटेड आपको स्टॉप लैंप मिल जाता है। इधर सीएनजी की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। विंड स्क्रीन प्लेन दी गई है। वाइपर, वॉशर, डिफोगर आपको नहीं मिलते। बड़े डिजाइन के साथ इसके जो टेल लैंप्स है वो दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से दूर से ही विजिबल हो जाते हैं। काफी ऊपर हाइट इसमें रहती है। बाकी दोस्तों सेंटर में आते हैं, यहाँ पे सुजुकी का लोगो दिया गया है। डिग्गी के ऊपर आपको एक क्रोम की पट्टी मिल जाती है, कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर आपको वैगनार की जो ब्रांडिंग है ना वो की गई है। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। बॉडी कलर का रियर बम्पर है और रिफ्लेक्टर्स भी आपको दिए गए हैं, कुछ इसकी प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। इस गाड़ी के इंटीरियर में चेकआउट करते हैं। भाई सीएनजी वाले वेरिएंट के अंदर आपको फीचर कौन कौन से मिल जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोर की ओपनिंग है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ओपनिंग मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे ड्राइवर साइड की बात कर लेते हैं तो इनसाइड डोर हैंडल आपको जो है वो ब्लैक कलर में मिल जाता है। डोर पैड आप भी यहाँ पर देखें कुछ तरीके का है, प्लास्टिक के फिनिश में आपको ये दिया गया है। इधर की तरफ आपको दो पावर विंडो मिलती हैं। ऑटो डाउन के फीचर के साथ आपको ड्राइवर साइड विंडो दी गई है। लॉक अनलॉक के स्विचेज मिल जाते हैं, विंडो लॉक का बटन मिल जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस प्रोवाइड किया गया है। स्पीकर नहीं मिलते, लेकिन हाँ प्रोविजन आपको जरूर से दिया गया है। आफ्टर मार्केट या फिर एक्सेसरीज से आप इसको लगवा सकते हैं। बाकी आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे आपको साइड एसी वेंट ब्लैक कलर में दिए गए हैं। हेडलाइट लैंपिंग का स्विच मिल जाता है और ये देखिए ये आपको सीएनजी कन्वर्टर दिया गया है, यानी कि जब आपको फ्यूल चेंज करना हो एक तो ये ऑटोमेटिकली फ्यूल चेंज कर लेता है, लेकिन अगर आपको इस गाड़ी के फ्यूल को चेंज करना हो, पेट्रोल से सीएनजी पे आना हो या सीएनजी से पेट्रोल पे आना हो, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। 10 सेकंड तक प्रेस करिए, ये अपने आप ही टक से एक आवाज़ आएगी, उसके बाद ही चेंज कर लेगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको हुड डिस्क का लीवर मिल जाता है। तीन पैडल दिए गए हैं और भाई कोने में एक डेड पैडल भी प्रोवाइड जो है ना वो किया गया है। इधर आते हैं फ्यूल लिड का आपको लीवर भी मिल जाता है। तो भाई गाड़ी का इंटीरियर अगर आप देखें तो आपको डुअल टोन के फिनिश में मिल जाता है। अपर पोर्शन आपको ब्लैक कलर में दिया गया है, जबकि लोअर पोर्शन आपको बेज कलर में मिलता है। कंप्लीट जो भी आपको पैनल मिलता है यहाँ पे आपको कोई सॉफ्ट टच नहीं मिलता, सारा कुछ आपको जो है वो प्लास्टिक फिनिश के साथ ही दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का जो स्टीयरिंग व्हील है वो मिल जाता है। नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है, पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। इसको आप टिल्ट एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, फिक्स टाइप का ये स्टीयरिंग व्हील है। एक एयरबैग आपको यहाँ मिलता है, दूसरा एयरबैग आपको को ड्राइवर साइड में दिया गया है। इसी वजह से ये दो एयरबैग वाली गाड़ी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके का रहता है, जहाँ पे आपको सिर्फ स्पीडोमीटर प्रोवाइड किया गया है, टैकोमीटर वगैरह आपको नहीं मिलता। उसके लिए आपको ज़ेरेक्साई ब्रांड देना होगा, लेकिन उसके अंदर आपको सीएनजी नहीं मिलती। बाकी दोस्तों बात की जाए इसके सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे आपको कोई म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया गया है। आफ्टर मार्केट या फिर एज एन एक्सेसरी आपको इंस्टॉल करवाना होगा। साइड एसी वेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच दी गई है। नीचे अपना मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। 12V का एक चार्जिंग सॉकेट है। यूटिलिटी स्पेस प्रोवाइड किया गया है। 5 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस दिया गया है और ये है इसका पार्किंग ब्रेक लीवर, जिसके अंदर आपको ब्लैक टिप मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर में एक टिकट होल्डर मिल जाता है। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है कि नॉर्मल टाइप का दिया गया है, इसको डे नाइट में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो कैबिन लैंप है वो आपको नॉर्मल हैलोजन टाइप का ही दिया गया है, कुछ इस तरीके से। बाकी आते हैं को ड्राइवर साइड में तो यहाँ पर आपको सनवाइजर मिल जाता है ब्लैंक टाइप का और ये है इसका ग्रैब हैंडल जो कि फिक्स टाइप का है। नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप इसके जो ग्लोव बॉक्स है उसको चेकआउट कर सकते हैं, कितने स्पेस के साथ है। नॉर्मल ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है।
बात की जाए इसके सीट की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दोनों ही हेडरेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको दोनों ही फिक्स टाइप के दिए गए हैं, और जो लोअर पोर्शन अगर आप चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री प्रोवाइड की गई है। और अपोल्स्ट्री अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे कुशनिंग वगैरह मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा आपको कंफर्टेबल इसमें बैठकर फील आने वाला है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इसको एडजस्टमेंट के लिए रिक्लाइन डिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए लीवर दिया गया है, यानी कि फोर वे इसको आप एडजस्ट कर पाएंगे। चलते हैं सेकंड रो के अंदर और चेक करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फीचर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले डोर की ओपनिंग देख लीजिए, कितनी आपको डोर की ओपनिंग मिल जाती है। सेकंड रो के अंदर भी ठीक मिलती है, यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक फिनिश में दिया गया है। पीछे की तरफ आपको पावर विंडो नहीं मिलती, जिसके लिए आपको यहाँ पर मैनुअल लीवर प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको पोर्शन मिल जाता है जिसमें आपको आर्मरेस्ट के ऊपर जो है प्लास्टिक का जो फिनिश है वो दिया गया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेस, बोतल होल्डर स्पेस, और पीछे की तरफ ये आपको ब्लैंक मिल जाता है। कोई स्पीकर आपको नहीं दिया गया वैगनार के सीएनजी वाले वेरियंट के अंदर। अंदर की तरफ आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो सेकंड रो के सबसे पहले जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स दिए गए हैं, एडजस्टेबल आपको नहीं मिलते। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको सीट के बीचों में जितना स्पेस है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बैठ कर दिखाते हैं आपको, तो कुछ इतना आपको स्पेस जो है वो सीएनजी वाला वेरियंट ऑफर कर देता है, और काफ़ी ठीक स्पेस है। बस आपको थोड़ा सा जो इसका थाई सपोर्ट है कम मिल जाता है, बाकी लेकिन आपको जितना भी स्पेस मिल जाता है वो इनफ रहता है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट। बाकी बात कर लेते हैं अदर फीचर्स की, तो ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल दोनों ही साइडों में दिया गया है। कैबिन लैंप आपको एक ही मिलता है, बीच में नहीं मिलता, सिर्फ आपको फ्रंट में कैबिन लैंप ही दिया गया है। मेन चीज़ आती है इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पर हम इसका बूट चेकआउट कराते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखें तो आपको कुछ इतना जो है इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। सबसे पहले सीएनजी का सिलेंडर देखें तो आपके यहाँ पे आपको जो 60 लीटर का सीएनजी सिलेंडर है वो ऑफर किया गया है। वाइट कलर के सिलेंडर है, स्टेपनी टायर जो है वो आपको आगे की तरफ प्लेस की गई है ताकि आप आसानी से इसको निकाल सकें बगैर किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पर आप इसका फायर सिलेंडर देख सकते हैं जो कि रखा हुआ है सीट के नीचे की तरफ, को ड्राइवर सीट के नीचे इसको प्लेस किया गया है। बाकी आप यहाँ पर देखें तो सिलेंडर लग जाने के बाद कितना स्पेस जो है वो यहाँ पर बचता है, तो काफ़ी ठीक स्पेस है यार। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और जो भी यहाँ पे आपको सीएनजी का इंस्टॉलेशन है वो एससीएनजी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अपना सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि सीएनजी के तौर पे मानी जाती है। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो इसका पार्शल ट्रे है वो सीएनजी वाले वेरियंट के अंदर मिलता है। एलएक्सआई पेट्रोल में नहीं दिया गया, सीएनजी वाले वेरियंट के अंदर आपको रियर पार्शल ट्रे भी मिल जाती है। उसके अलावा अगर आपको बूट स्पेस की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये जो सेकंड रो सीट है ना, ये फोल्ड के फीचर के साथ दी गई है, ये कंप्लीट फोल्ड हो जाएगी, ये बेल्टों ने इनको रोक लिया है। तो भाई कुछ इस तरीके से आप इसको कंप्लीट फोल्ड कर सकते हैं। इवन जो ये पार्शल ट्रे लगी हुई है ना दोस्तों, इसको भी आप निकाल सकते हैं और बूट स्पेस को और ज़्यादा जो है बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी सारा आपके पास यहाँ पर बूट स्पेस होने वाला है अगर आप इन सीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ इस तरीके से अरेंजमेंट में आप लेकर के चलते हैं। 1 लीटर का K10 भी आपको इंजन मिल जाता है जो कि 43.5 किलोवाट की पावर और 78 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। कंपनी क्लेम माइलेज के साथ बात की जाए तो 32.52 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और सेफ्टी फीचर के लिहाज से इस गाड़ी के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, एबीएस ईबीडी, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, फोर्स लिमिटर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे बेसिक फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। पर्टिकुलर सीएनजी वाले वेरिएंट को आप टोटल 6 कलर्स के अंदर चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्राउन, ऑरेंज और ब्लू कलर का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात आ जाती है प्राइस की, तो दोस्तों इस गाड़ी का यानी कि ऑप्शनल वाले वेरिएंट का एक शोरूम कॉस्ट आता है 6,19,000 रुपीज का। ऑन रोड कॉस्ट दिल्ली के अंदर ये आपको करीब 7,03,000 रुपीज तक जाती है। नॉर्मल अगर आप सिंगल एयरबैग वाले से कंपेयर करते हैं तो करीब 7,000 रुपीज आपको ये कॉस्टली पड़ती है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू सीएनजी वाले वेरिएंट का जिसमें 2 एयरबैग आते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंपेयर करो।